हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं बी टॉक्स के साथ। तो गाइस, इस तरह मैं जानता हूं कि बी टॉक्स को आने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि जो मेरा टाइम चल रहा है यानी कि वर्क को लेते हुए, काम को लेते हुए, काफी ज्यादा बिजी चल रहा है। तो उस बीच मुझे जो रिकॉर्डिंग है यानी कि किसी और टॉपिक से रिलेटेड वीडियो वो नहीं आ रही मेरे चैनल के ऊपर, लेकिन जो मेरा वादा है कि मैं टेक टॉक लाजमी दूंगा एक हफ्ते के अंदर, वो मैं आप तक लेकर आ चुका हूँ। सो गाइज, बगैर किसी देरी से लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले बात करते चले हैं पहली न्यूज की, जो कि हमारे पास फेसबुक और इंस्टाग्राम की जानिब से रिसेंटली हमें देखने को मिली एक पॉपअप स्क्रीन इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसके अंदर मेंशन था कि अब आप एंजॉय कर सकते हैं नए तरह से मैसेजेस को। इसका मतलब ये था कि अब हो चुका है मर्ज मैसेंजर और इंस्टाग्राम का। इस मर्ज के अंदर होगा ये कि अब हम लोग जो इंस्टाग्राम को यूज करते हुए डायरेक्ट मैसेज से हम लोग मैसेज सेंड कर सकते हैं मैसेंजर के ऊपर। तो काफी अच्छा फीचर है, यानी कि काफी अच्छी अपडेट आई है ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की जाने से। और ये लाया इस वजह से गया है कि जो लोगों को मसला पेश आया था कि वो कभी मैसेंजर के ऊपर होते हैं, उनको इंस्टाग्राम पे मैसेज आ गया और वो फिर एप्लीकेशन को स्विच करना पड़ता था, जिसको फीजिबल बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए इस फीचर को लाया गया कि अब आप मैसेंजर के ऊपर भी मैसेजेस कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज के थ्रू। तो गाइस, काफी अच्छी अपडेट है ये इंस्टाग्राम और मैसेंजर की जानिब से। सो गाइस, जिस तरह हम सबको मालूम है कि iOS 14 की अपडेट आई कुछ हफ्ते पहले, जिसके बाद काफी ज्यादा मेजर फीचर्स को रिलीज किया गया, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जो एक फीचर था पिक्चर इन पिक्चर का, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया YouTube की जानिब से कि जो iPhone यूजर थे वो उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अच्छी खबर ये आ चुकी है कि रिसेंटली अब इसको जो iPhone यूजर थे वो एक्सेस कर सकते हैं, अब इसको अलाउ कर दिया गया है। लेकिन बात ये भी सामने नहीं आई कि इसके पीछे वजह क्या थी कि इसको रिस्ट्रिक्ट करने की YouTube की जानिब से। लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब iPhone यूजर इसको किसी भी ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं पिक्चर पिक्चर मोड को YouTube के ऊपर, चाहे वो क्रोम हो चाहे वो सफारी हो, हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं जो कि है पिक्चर इन पिक्चर मोड। सो गाइस, अगली न्यूज हमारे पास वो है के इलेक्ट्रिक को लेते हुए कि जिस तरह हम सबको मालूम है कि कुछ हफ्ते पहले के इलेक्ट्रिक की साइट जो है उसके ऊपर हुआ था साइबर अटैक, रैंसम अटैक, जिसके वजह उनका डेटा था वो काफी ज्यादा स्टील हो चुका था, यानी कि चोरी हो चुका था। और यहाँ पर बात आती है हमारे पास कि उसके बाद हुआ ये कि जो हैकर्स थे उन्होंने डिमांड करी थी कि 1.3 मिलियन की, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि एक हफ्ते बाद उसको इंक्रीज कर दिया गया टू द 7 मिलियन। लेकिन जो के इलेक्ट्रिक की टीम है उन्होंने कहा कि हम लोग अभी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी खबर मिल जाएगी और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, आपको हर चीज रिजॉल्व हुई मिलेगी। लेकिन अनकरीब हुआ ये कि डार्क वेब के ऊपर के इलेक्ट्रिक का ये डेटा हो गया है लीक, जो कि काफी ज्यादा सोचने वाली और काफी ज्यादा फिक्र करने वाली बात है। तो गाइस, इस डेटा के अंदर हमारे पास क्या क्या शामिल है जो डार्क वेब के ऊपर रिलीज किया गया है। डार्क वेब के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आपके ऊपर आइकॉन और नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, अब वहां जाकर देख सकते हैं। तो हुआ ये कि जब डेटा लीक किया गया वहां पर, इस डेटा के अंदर हमारे पास शामिल है हमारा नाम, एड्रेस, लोकेशन, हमारे पास एंटी एंड साथ साथ क्रेडिट कार्ड, जो ये काफी ज्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि डार्क वेब तो जानी जाती है लीगल एक्टिविटीज के लिए। तो गाइस, ये सब डेटा जब आपने वहां पर पब्लिकली एक्सपोज कर दिया तो अब फायदा क्या, अब कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने वाला बंदा हमारा डेटा को चुराकर उसमें कुछ मैनिपुलेशन करने के बाद काफी हद तक बहुत कुछ कर सकता है। तो गाइस, यहां पर बात आती है कि के इलेक्ट्रिक की टीम को यहां पर कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए आवाम के सामने आकर के, भाई आवाम ने आपके ऊपर आपकी पॉलिसीज जो होती हैं, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसको पढ़ने के बाद, उसको देखने के बाद आपको अपना डेटा दिया, आप उसके जिम्मेदार हो उसकी सिक्योरिटी के। अब मैं कैसे जिम्मेदार हूँ भाई, मेरा कोई क्रेडिट कार्ड का नंबर वहां पर एक्सपोज करते, मेरा नाम शेयर से एक्सपोज करते, तो ये अच्छी बात नहीं है। और आवाम को लाजमी उनसे सवाल पूछना चाहिए के इलेक्ट्रिक से, और के इलेक्ट्रिक को भी आवाम का जवाब देना चाहिए कि हाँ भाई ऐसा क्यों हुआ, अब वो क्या सोल्यूशन लेकर आती है। इसी चीज को लेते हुए जो हमारे एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और एनालिस्ट है पाकिस्तान के नाम पर राफे बलोच, ने भी पोस्ट करते हुए कहा कि ये डेटा इस तरह एक्सेसिबल है, उन्होंने तो पूरे पूरे स्क्रीनशॉट लगाया कि डेटा किस तरह विजिबल हुआ है डार्क वेब के ऊपर। तो गाइस, काफी ज्यादा सोचने वाली खबर है कि हमारा डेटा एक्सपोज हुआ है कि इलेक्ट्रिक का डार्क वेब के ऊपर, आगे जाकर अल्लाह ना करे वो किसी बड़ी कह सकते हो साजिश किया निशाना बन सकता है, यानी कि उसके थ्रू कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो सकती है। सो गाइस, अगली न्यूज़ है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक से लेते हुए कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक 4 घंटे के लिए हो गया था अनएक्सेसिबल, यानी कि ना आप उसके ऊपर ईमेल सेंड कर सकते थे ना आप ईमेल रिसीव कर सकते थे। तो इसकी जो मेन वजह सामने ये आई थी कि जो एमवीसी, अगर कोई जानता हो कि एमवीसी मॉडल व्यू कंट्रोलर, उसको लेते हुए इन्होंने यानी कि एक यूजर राउट होता है माइक्रोसॉफ्ट ने, उसी कन्फिग्रेशन के अंदर चेंजेस करे, और उस चेंजेस जो यूजर राउट के चेंजेस थे उसके अंदर हुआ ये कि वहां पर कोई इशू आया जिसकी वजह से ये जो सर्विस थी ये एक्सेसिबल नहीं हो रही थी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आउटलुक पे रहते हुए ईमेल सेंडिंग और रिसीविंग में जो मेल सर्विस थी उसके ऊपर इशू आ रहा था, बाकी किसी के ऊपर कोई भी इशू नहीं आ रहा था। बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज थी वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास
चल रही थी। तो गाइज लेकिन इसके बाद उसको 4 घंटे बाद माइक्रोसॉफ्ट के जाने से रिजॉल्व कर दिया गया और उन्होंने इसी मैसेज में ये भी बताया कि इसके पीछे मसला क्या था, किस वजह से ये हुआ और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अब यूजर्स को ये मसला पेश आने वाले वक्तों में नहीं होगा। तो गाइस अगली न्यूज हमारे पास वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को लेते हुए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट हो गई डाउन और डाउन होने की मेन वजह सामने ये है कि जो ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक उनकी साइट के ऊपर आया वहां पर उसकी वजह से हो गई वेबसाइट डाउन पीसीबी की। तो गाइस हुआ ये कि नेशनल T20 चल रहा है जिस तरह मैं मालूम है, तो गाइस काफी ज्यादा फैन उसको फॉलो कर रहे हैं और काफी लाइव स्पोर्ट्स हो गया, इवेंट्स हो गए, एक्सेट्रा, उसको देखने के लिए पीसीबी की साइट पर यूजर वैसे भी आते रहते हैं। तो गाइस हुआ ये कि फेसबुक हो गया हमारे पास डायरेक्ट सर्च इंजन होगा, इसके थ्रू इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक पीसीबी की साइट के ऊपर आया नेशनल T20 को लेते हुए कि उनकी वेबसाइट को होना पड़ा डाउन क्योंकि उनकी साइट है वो कंट्रोल नहीं कर पाई इतना ज्यादा ट्रैफिक एक टाइम पे, क्योंकि हर साइट की एक लिमिट होती है कितने अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वो एक टाइम पे बर्दाश्त कर सकती है, तो वो अब उससे एक्सटेंड हो गया तो वेबसाइट हो गई डाउन। लेकिन पीसीबी की साइट कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ घंटे बाद हो गई दोबारा अप और यूजर उसको एक्सेस करने लग गए। सो गाइस अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ मजीद और मजेदार न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को लेकर। जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।